So in the chapter Human Health and Diseases, the next drug which is abused by the abuser, that is the cannabinoids. And the drug cannabinoids, the second cannabinoid is the group of drug, and here under this cannabinoid we will discuss the four main product which is obtained from the hemp plant. Actually cannabinoids, it is a group of product, and the product which are comes under the cannabinoids, these are taken from the hemp plant. There are four products. Four products of hemp plant. Plant. हेम्प प्लांट से जो है फोर प्रोडक्ट निकाला जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, विच आर कंसीडर्ड एज कैनाबिनॉइड्स. हम कैनाबिनॉइड्स कंसीडर करते हैं, एंड दीज आर भांग, गांजा, चरस, एंड द फोर्थ वन इज मैरिजुआना. भांग, गांजा, चरस एंड मैरिजुआना, ये चार प्रोडक्ट जो है हेम्प प्लांट से लिए जाते हैं, हेम्प प्लांट से निकाले जाते हैं. हेम्प की जो है दो स्पेसीज होती है, जिसके अलग अलग वैरायटी से अलग अलग प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाता है. एक होता है हेम्प की जो वैरायटी है, दैट इज द कैनाबिस, कैनाबिस सटाइवा एंड कैनाबिस इंडिका. ये दो दो वैरायटी होती है. इसमें हम जानते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट कौन कौन से स्पेसीज से ऑब्टेन होगी, इसमें हम डिस्कस करें. बात करते हैं भांग. भांग में जो पार्ट ऑफ प्लांट होता है, प्लांट इस प्लांट से निकाला जाता है, एंड पार्ट्स अलोंग विथ मोड ऑफ इनटेक, मोड ऑफ इनटेक, ये तीनों चीज हम लोग पढ़ेंगे. कि पहला चीज कि कौन से प्लांट से निकाला जाता है भांग. तो भांग जो है स्पेशली निकाला जाता है कैनाबिस इंडिका से. कैनाबिस इंडिका जो है ये द सोर्स प्लांट, ये सोर्स प्लांट होता है फॉर भांग. और गांजा के लिए जो है होता है कैनाबिस सटाइवा, इसमें भी सेम वही होता है. चरस में भी कैनाबिस सटाइवा ही होता है. एंड ऑल्सो फॉर मैरिजुआना कैनाबिस सटाइवा. ये दो स्पेसीज होते हैं प्लांट हेम्प प्लांट के, जिनसे ये अलग अलग प्रोडक्ट जो कैनाबिनॉइड्स की तरह से एक्ट करते हैं वह निकाले जाते हैं. एंड
टेकन एज ड्रग बाय द एब्यूजर, यूजर के द्वारा जो है एब्यूज्ड ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द भांग, द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज टेकन इन ड्राई फॉर्म, मोस्टली ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट इन ड्राई फॉर्म टेकन एज कैनाबिनॉइड्स। तो कौन सा पार्ट ड्राई किया जाता है भांग के केस में? लीव, लीव्स एंड फ्लोरल पार्ट, फ्लोरल अपेक्स, लीव्स और फ्लोरल अपेक्स को जो है, या फ्लोरल सूप को हम बोल सकते हैं, फ्लोरल उसी को सुखा करके भांग बनाया जाता है। एंड मीन्स वो प्रोडक्ट बनाया जाता है जिससे एब्यूज किया जा सकता है। एंड द मोड ऑफ इंटेक फॉर भांग इज आइदर बाय ड्रिंकिंग, भांग का जो है जूस बना करके पिया जाता है, और उसके अलावा जो है पीलेट के फॉर्म में, बड़ा बड़ा पीलेट बना दिया जाता है, टिकिया जिसको बोलते हैं, तो बाय ड्रिंकिंग एंड ईटिंग पीलेट या तो ड्रिंक किया जाता है भांग को, या फिर पीलेट उसका खाया जाता है। और इसका भांग का इफेक्ट जो है अदर जो कैनाबिनॉइड्स है उनके इफेक्ट से कम होता है, इसका इफेक्ट इट इज लेस इफेक्टिव और लेस इंटॉक्सिकेंट, मतलब इंटॉक्सिकेशन इसका जो है, इसका नशा कम होता है अदर के कंपेरिजन, और स्लो होता है, मतलब भांग को खाने के बाद बहुत ज़्यादा समय के बाद इसका इफेक्ट दिखना शुरू होता है। और मेन इफेक्ट होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हेलुसिनेशन। अभी हेलुसिनेशन क्या होता है, और ऐसे प्रोडक्ट को जो हेलुसिनेशन कॉज करते हैं उनको हम हेलुसिनोजन बोलते हैं। तो अभी इसके बारे में जानेंगे, पहले इन सब के बारे में भी जान लेते हैं। तो गांजा जो होता है, गांजा इट इज द इनफ्लोरेसेंस, द फीमेल अनफर्टिलाइज्ड इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस ऑफ फीमेल अनफर्टिलाइज्ड इनफ्लोरेसेंस, अनफर्टिलाइज्ड और फीमेल प्लांट, फीमेल प्लांट का जो इनफ्लोरेसेंस होता है उसी को प्लग करके कुछ वैरायटी ऑफ कैनाबिस सैटिवा के, कैनाबिस सैटिवा की कुछ वैरायटी से के फीमेल इनफ्लोरेसेंस को प्लग कर दिया जाता है और उसको सुखा दिया जाता है, और उसी को जो है गांजा के रूप में लिया जाता है। और गांजा कैसे लिया जाता है, इट इज बाय स्मोकिंग, गांजा को जो है स्मोक किया जाता है, और ये इसका जो इफेक्ट होता है इट इज वेरी इंस्टेंट एंड हाई इफेक्ट, मोर देन भांग, भांग से ज्यादा जो है गांजा का इफेक्ट होता है, और बहुत ही तेजी से होता है, मीन्स बॉडी में इसका इफेक्ट कम समय में ही दिखना शुरू हो जाता है। स्मोकिंग के बाद, स्मोकिंग जो है उसका स्मोक जब इनहेल होता है बॉडी के द्वारा तो इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। द नेक्स्ट इज अबाउट चरस, चरस जो होता है इट इज द रेजिन, रेजिन जो है कैनाबिस सैटिवा के प्लांट बॉडी के अलग अलग पार्ट से उसको रेजिन को कलेक्ट किया जाता है, रेजिन इज कलेक्टेड एंड अलाउड टू ड्राई, रेजिन को कलेक्ट करके जो है सुखाया जाता है, एंड दैट रेजिन इन ड्राई फॉर्म
इट इज नोन एज चरस, इसी को हम बोलते हैं चरस। और इसका मोड ऑफ इंटेक क्या होता है? ये स्मोकिंग होता है, स्मोकिंग अलोंग विद टोबैको, टोबैको के साथ मिला करके जो है इसको स्मोक किया जाता है हेवी यूजर के द्वारा। नेक्स्ट इज मैरिजुआना, एंड मैरिजुआना इज द पार्ट ऑफ प्लांट, सॉरी द पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच मैरिजुआना इज प्रोड्यूस्ड, इट इज द फ्लोरल शूट एंड लीव्स, सेम एज भांग, भांग के जैसा ही ये भी होता है, इसका भी पार्ट ये परी भांग के जैसा ही जो पार्ट ऑफ प्लांट कलेक्ट होता है मैरिजुआना के केस में भी वही होता है। एंड इट इज आल्सो हाई इंटेंसिव, मीन्स इसका इंटेंसिटी जो है ज्यादा होता है, इसका भी इफेक्ट बहुत ही तेजी से फ्रिक्वेंट इफेक्ट दिखाता है। इसको अदर वर्ड में मैरिजुआना भी बोलते हैं, अदर नेम इज मैरिजुआना। मैरिजुआना की जगह पे मैरिजुआना भी अगर आता है तभी वही सेम सेंस लिया जाता है। एंड मैरिजुआना इज टेकिंग एज चीविंग, चीविंग के थ्रू जो है इसको लिया जाता है। So these are the different forms of cannabinoids, a product of cannabis plant, either from cannabis sativa or cannabis indica. Cannabis indica से जो है भांग निकाला जाता है, और वही सेम पार्ट अगर कलेक्ट किया जाए cannabis sativa से तो वो कहलाता है मैरिजुआना। तो अलग अलग नाम से जो है ये प्रोडक्ट बनते हैं और कलेक्टिवली ये कहलाते हैं cannabinoids। और इनका जो इफेक्ट होता है कॉमन इफेक्ट जो होता है और ऑल काइंड ऑफ कैनाबिनॉइड्स और ऑल द प्रोडक्ट इज हेलुसिनेशन। मींस दीज आर हेलुसिनोजन। अब हेलुसिनेशन क्या होता है? इट इज हेलुसिनेशन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द परसेप्शन ऑफ समथिंग, सॉरी परसेप्शन ऑफ हैविंग फील टच perception of having feel, touched, tasted, smell, or tasted smell that was not present there. तो किसी भी चीज का the perception of having feel, touched, tasted, smell of समथिंग, किसी भी चीज़ का जो है फील होना, टच होना, टचिंग का फील आना, स्मेल का फील आना, ये सभी का परसेप्शन जो है आता है, बट एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होता। जैसे जो जिसको हेलुसिनेशन होगा ये सारे प्रोडक्ट लेने के बाद, तो उसमें ये हो सकता है कि
किसी चीज का स्मेल आ रहा, बट नॉर्मल पर्सन को स्मेल नहीं महसूस होता है, या फिर कि कोई चीज जो है दिखाई दे रहा है, कुछ चीज दिखाई दे बट एक्चुअल में वो चीज वहां पे नहीं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज हेलुसिनेशन एंड द सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेलुसिनेशन इज आर नोन एज हेलुसिनोजन। अब इस हेलुसिनेशन इफेक्ट के लिए इन सारे प्रोडक्ट के पास कौन सा पर्टिकुलर केमिकल होता है? सो द चीफ केमिकल और प्रिंसिपल केमिकल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल जो है ये केमिकल प्रेजेंट होता है सभी प्रोडक्ट में, जो इस इन सभी के इफेक्ट को बॉडी में रिफ्लेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इफेक्ट ऑफ हेलुसिनेशन। उसके अलावा जो है जो पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन अफेक्टेड होता है इस कैनाबिनॉइड की वजह से, सो दैट ऑर्गन इज द इफेक्ट ऑफ कैनाबिनॉइड is on cardiovascular system cardiovascular system जो है main body organ system होता है जो cannabinoid से affected होता है, and the effect appear over the cardiovascular system is in the form of increased heartbeat and increased blood pressure। इसमें होता क्या है कि बीपी जो है बढ़ जाती है और हार्ट बीट रेट भी बढ़ जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे अफेक्ट होने की वजह से। एंड द अदर थिंग दैट इज अबाउट द रिसेप्टर इन बॉडी, बॉडी में कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर क्या होते हैं, ये भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। रिसेप्टर इन बॉडी, तो रिसेप्टर ऑफ कैनाबिनॉइड इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन, होल ब्रेन इज द रिसेप्टर फॉर कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड का रिसेप्टर जो है ब्रेन होता है। तो कैनाबिनॉइड से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है, इट इज द फॉर्म ऑफ कैनाबिनॉइड, कौन कौन से फॉर्म में कैनाबिनॉइड होते हैं, ये फोर फॉर्म है, भांग, गांजा, चरस एंड मैरिजुआना। अब इनमें जो है सोर्स प्लांट भी पूछा जाता है, मीन्स सोर्स प्लांट फॉर भांग, सोर्स प्लांट फॉर चरस, गांजा, मैरिजुआना। उसके अलावा केमिकल भी कभी कभी पूछा जा सकता है, बट मेनली इफेक्ट जो है इस बॉडी ऑर्गन सिस्टम पे इसका इफेक्ट होता है वो पूछा जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एंड द कॉमन इफेक्ट ऑफ कैनाबिनॉइड एंड द कॉमन इफेक्ट इट इज हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन क्या होता है, इट इज द परसेप्शन ऑफ having seen, touched, smell or feeling something that was not there। मतलब किसी चीज का जो है फील होना, उसको देखना, उसका स्मेल आना, उसको टच करने का फीलिंग, बट वह एक्चुअल में वहां पे प्रेजेंट ना हो वो चीज। तो इस प्रोसेस को हम, इस इफेक्ट को जो है बॉडी की, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं मति भ्रम, मतलब एक भ्रम रहता है,
बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये था आपका कहना विराइट्स। अब आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द कोका एल्कलाइड, इसको हम कॉमनली बोलते हैं कोकीन।